हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरी वन आर यू आई थिंक यू आर फाइन एंड हेल्दी विद योर फैमिली ओके आई एम ऑल्सो फाइन सो स्टूडेंट्स टूडे इन टूडे सेशन वी विल डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे रिलेटेड विद द चैप्टर चैप्टर से जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आज के सेशन में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे देखिए क्या क्या क्वेश्चन है बेटा और उनके आंसर्स नाउ यू सी फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वाई इज मिल्क इम्पॉर्टेंट टू अस मिल्क हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है देखिए बेटा मिल्क के बारे में मैं आपको बता दूँ मिल्क जो है वो उसको बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है दैट इज नोन एज बैलेंस डाइट उसको बैलेंस डाइट बोला जाता है क्यों वाई बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है आपको मालूम है बैलेंस डाइट इट इज कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन एज नीडेड टू आवर बॉडी ठीक है तो ये तो बैलेंस डाइट है इसलिए तो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए और आंसर भी देख सकते हैं आप लोग मिल्क इज इंपॉर्टेंट टू अर्स बिकॉज इट इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन प्रोटीन आपको मालूम है क्या करते हैं हमारी बॉडी में सेल्स जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको मेंटेन करने में उनको रिपेयर करते हैं है ना और हमारी बोन्स को और टीथ को भी स्ट्रांग करते हैं ओके राइट बेटा ठीक है बेटा बोन्स और टीथ को भी स्ट्रांग करते हैं इस तरीके से मिल्क बैलेंस डाइट है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा नेक्स्ट व्हाट इज बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट फिर वही क्वेश्चन सेम दैट आई हैव रिपीटेड मैनी टाइम्स बैलेंस डाइट बेटा बहुत जरूरी है मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ यू ऑल मस्ट टेक बैलेंस डाइट ओके बैलेंस डाइट सभी को लेनी चाहिए अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए ओके सो दैट देयर शुड बी स्वेटनिंग जब तक कि स्वेटनिंग आपके बॉडी में ना होने लगे यू मस्ट डू दिस ओके एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट लेना इट इज मस्ट फॉर ऑल यू कैन से है ना ये आपको मैं पहले भी जब एक्सप्लेन कर रहा था तभी भी बताया था मैंने है ना अ डाइट विच प्रोवाइड्स द राइट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिय सारे न्यूट्रिय जो है वो राइट right प्रोपोर्शन में हो दैट आवर बॉडी नीड्स हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत है अलोंग विथ रफीज एंड वाटर देखिए रफीज और वाटर को आप कभी भी नहीं छोड़ सकते है ना दे रफीज जो है डैट्री फाइबर्स जिनको कहते हैं बेटा रफीज प्लांट के सोर्सेस है प्लांट से मिलते हैं हमको है ना और हमने आपको बताया था हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक जो है जो एलिमेंट्री कैनाल है फूड सिस्टम है उसमें फूड को पास करने में हेल्प करते हैं यू कैन से दे प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन एंड वाटर तो आपको मालूम है हमारी बॉडी में वाटर जो है वो सेवेंटी परसेंट बाई वेट इट इज प्रेजेंट ये मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था फिर भी बताया था उस टाइम भी बताया था वाटर हमारी बॉडी में वेट के अकॉर्डिंग वेट के बेसिस पे हमारा जो है वो 70 सेवेंटी परसेंट प्रेजेंट है मींस इफ योर वेट इज फोर्टी के अगर आपका वेट बेटा फोर्टी के है तो आपकी बॉडी में ट्वेंटी एट के वाटर प्रेजेंट होगा ही अगर उससे कम हुआ तो बेटा डिहाइड्रेशन हो जाता है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं है ना डायरिया वगैरह की और दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो आप समझ सकते हो इतना वाटर हमें इतना जरूरत होता है इतने अमाउंट में इतनी क्वांटिटी में तो आप समझ सकते हो कितना हाउ मच इम्पॉर्टेंट हाउ इम्पॉर्टेंट इज यू कैन से वाटर एंड रफी। तो हमें इनको तो बोलना ही नहीं है बिल्कुल वी कांट और गेट दीज रफेज एंड वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेज डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है? है ना वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फिर भी इस आंसर में मैं आपको बता रहा हूं डिजीजेस दैट आर काज ड्यू टू द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिय कोई भी एसेंशियल न्यूट्रियट हमारी बॉडी में हमारे फूड में है ना अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपसेंट रहता है तो हमें डिजीज हो जाती है दैट डिजीज इज नोन एज डेफिशंशी डिजीज मैनी मैनी डेफिशियशी डिजीजेज वी हैव डिस्कस्ड है ना यहाँ पे एग्जाम्पल में मैरसमस दी हुई है जो छोटे बच्चों में होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और भी बहुत सी डेफिशिएंसी डिजीज है विटामिन से मिनरल्स से है ना प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट ये सब बहुत बहुत डिजीजे हम लोग डिस्कस डेफिशिएंसी डिजीजेज कर चुके हैं समझ में आ रहा है बेटा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज ग्वाइटर कॉज ग्वाइटर कैसे होता है ग्वाइटर इज अ डिजीज कॉज बाई आयोडीन इन द डाइट हमारी डाइट में बेटा जब आयोडीन अब्सेंट होता है या कम होता है एज आवर बॉडी नीड हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है उससे उसकी कम क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी में फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन दिस डिजीज इज़ कॉज और ग्वाइटर अभी जब मैंने एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी फिर भी मैंने आपको ग्वाइटर के बारे में बताया था व्वाइटर में क्या होता है बेटा नेक्स स्वेलअप हो जाता है बिकॉज इनसाइड ग्लैंड जो हैं वो स्वेलअप हो जाती हैं ड्यू टू द लैक ऑफ दैट आयोडीन इन आवर डाइट और बहुत कॉमन सोर्स है इसका आप जानते हो हम लोग रोज खाने में यूज करते हैं द कॉमन सॉल्ट जिसको सोडियम क्लोराइड भी साइंस में बोलते हैं बेटा राइट बेटा आई थिंक यू हैव गॉट नेक्स्ट नाउ बेटा द एक्सप्लेनेशन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर इज नाउ ओवर आई थिंक यू ऑल हैव गॉट ऑल द एक्सप्लेनेशंस ओके बेटा क्लियरली इवन देन इफ यू हैव नॉट गॉट अगर आपको समझ नहीं आए हैं देन यू कैन पोस्ट योर क्वेरी आई एम ऑल्सो सेन द क्लास रूम ऑल्सो दैट टाइम वेन क्लास इज रनिंग राइट बेटा समझ आया और बेटा ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में राइट डाउन करने ही हैं समझ में आया ये आपको क्वेश्चन आंसर उसमें लिखने हैं आपको अपनी नोटबुक में ठीक है बेटा नाउ टुडे सेशन आई एम गोइंग टू कंक्लूड आज के सेशन को मैं कंक्लूड कर रहा हूं ओके बेटा बाय एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी